महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कांग्रेस से अपना दामन छुड़ा लिया है, जिसे कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। अशोक चौहान मराठवाड़ा क्षेत्र में पार्टी के प्रमुख नेता रहे हैं। उनके पिता SB चौहान भी मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा वो केंद्रीय मंत्री के पद पे भी रहे हैं। पिता पुत्र की ये इकलौती जोड़ी है जिसमें दोनों राज्य के मुख्यमंत्री बने। सियासी सफर की बात की जाए तो अशोक चौहान को 1999 के बाद कई बार मंत्री बनने का मौका मिला। फिर 2008 में वो राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। वो तब मुख्यमंत्री थे जब केंद्र में UPA की सरकार थी। इस दौरान घोटालों को लेकर माहौल बना हुआ था, तो वो भी चपेट में आ गए और आदर्श हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े स्कैम में उनका नाम सामने आया, जिसके चलते 2010 में उन्हें पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। उनको कमान भी विलास राव देशमुख के इस्तीफे के बाद मिली थी, जो मुंबई आतंकी हमले के चलते घिर गए थे। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी साउथ मुंबई के कोलाबा में बनी थी, जिसमें कारगिल के नायकों और शहीदों के परिवारों को फ्लैट दिए जाने थे। आरोप था कि अशोक चौहान ने मुख्यमंत्री रहते हुए 31 मंजिला इमारत के फ्लोर स्पेस इंडेक्स में इजाफा कर दिया। इसके अलावा एक आरोप ये भी था कि शहीदों के परिवार के लिए बन रही इस सोसाइटी के 40% फ्लैट्स को नागरिकों के लिए आवंटित किया गया। बहरहाल अब अशोक चौहान कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं। क्या उन पर किसी तरह का दबाव है, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं हो पाई है, लेकिन चर्चा है कि उन्हें BJP की तरफ से राज्यसभा भेजा जा सकता है। दूसरी तरफ संजय निरुपम की तरफ से भी अशोक चौहान का बचाव किया जाना उन पर संदेह की सुई मोड़ रहा है। दरअसल संजय निरुपम ने अशोक चौहान के इस्तीफे के बाद ट्वीट कर कहा, अशोक चौहान यकीनन पार्टी के लिए धरोहर थे, कोई उन्हें जवाबदेही कह रहा है, कोई ED को जिम्मेदार ठहरा रहा है, ये सब जल्दबाजी में दिया हुआ रिएक्शन है। वो बुनियादी तौर पर महाराष्ट्र के एक नेता की कार्यशैली से बहुत परेशान थे, इसकी जानकारी उन्होंने समय समय पर शीर्ष नेतृत्व को दिया था। अगर उनकी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता तो ये नौबत नहीं आती। अशोक चौहान साधन संपन्न है, कुशल संगठन है, जमीनी पकड़ रखते हैं और सीरियस नेता है। भारत जोड़ो यात्रा जब पिछले साल नांदेड़ में 5 दिनों के लिए थी, तब समस्त नेतृत्व ने उनकी क्षमता का साक्षात दर्शन किया था। उनका कांग्रेस छोड़ना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, इसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा, उन्हें संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी थी। हालांकि संजय निरुपम के खुद कांग्रेस छोड़ने की खबरों पर भी उन्होंने सफाई दी है और कहा है कि ये खबरें सरासर झूठ और बेबुनियाद है, अफवाहों पर आधारित ये खबर निंदनीय है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।